अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं दोस्तों। मैं इमाम सईद बात कर रहा हूं, और मेरे सामने जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ना दोस्तों, प्रिंसेस ऑफ होप का स्टेचू बना हुआ है, और ये ज़ीरो पॉइंट कहलाता है, ठीक है ना। तो कराची से हम लोग आए हैं दोस्तों शिकार के लिए, टीम भी आपको बताऊँगा आज कहाँ शिकार पर जा रहे हैं, सारी डिटेल आपको बताऊँगा। लेकिन आपको पहले बताऊँ कि एक मेन रोड ऐसे सीधा जा रहा है इसी स्टेचू ऑफ प्रिंसेस ऑफ होप के साथ साथ, ये क्वेटा वाला रोड है। और अगर मैं इधर पीछे की बात करूँ तो ये हमारा गडानी वाला रोड है, हपचौकी वाला रोड है, जो कराची से रोड आ रहा है ना। तो हम आज कराची से आए, हमारे दोस्त हमारे साथ हैं, उनकी भी डिटेल आपको बताता हूँ। तो कराची का रोड ऐसे आ रहा है, आगे ये रोड क्वेटा जा रहा है दोस्तों, और बलूचिस्तान जा रहा है, और हमने जो है ना इस उल्टे हाथ की तरफ टर्न किया है, क्योंकि हमने जाना है कुंडमलीर। तो ये रोड हमारा कुंडमलीर जाएगा, रसमिलान जाएगा, सपट जाएगा, गोल्डन बीच जाएगा, ग्वादर जाता है, जीवनी जाता है। तो ये रोड हम लेंगे दोस्तों, और हम आखिर में अपने पॉइंट तक जाएंगे। तो मैंने सोचा ये डिटेल आपसे शेयर करता हूँ। फैसल भाई ये रहे, फैसल भाई तो आज शिकार पर फैसल भाई मेरे साथ हैं, और जूम हुआ था थोड़ा जूम काटूं, और वेगनर आर गाड़ी में हम लोग आए, और मेरे साथ आज फैजान भाई हैं। फैजान भाई की दावत पे आज हम लोग शिकार पे निकले, अल्लाह ताला अच्छा इंशाल्लाह भाई लाड़ा पूरा लेंगे, दावत नहीं है, मैंने दावत बोल दिया, लेकिन लाड़ा हम ज़्यादा देंगे भाई। और सरफराज भाई थोड़ा सा देखें, सरफराज भाई मलिर से आए ना आप लोग? हम लोग शाह फैसल कॉलोनी से। तो ये मेरे दोस्त भी हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, और आज इनके साथ हम शिकार पे जा रहे हैं दोस्तों। तो मैं इमाम सईद हूँ, बाकी अली भाई जो गाड़ी वाले हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, आपको बाद में उनका भी दिखाऊंगा। तो सामान वगैरह हम लोगों ने सारा लाया है दोस्तों, इंशाल्लाह कोशिश है कि VIP पिकनिक हो, और साथ हम खाना भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, और VIP शिकार भी हो। तो मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, बाकी जो भी होगा आप चल आदमी शेयर होगा। एक होटल भी है जीरो पॉइंट के पास, और इसका नाम भी जीरो पॉइंट होटल है, तो मैंने सोचा ये भी आपसे शेयर करता हूँ। और कराची से टोटल जीरो पॉइंट दोस्तों 110-120 किलोमीटर था, और अब कुंडमलीर यहाँ से 130 किलोमीटर है, तो टोटल 250 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। तो अब हम ऐसे जाएंगे उल्टे हाथ पे, और अपने कुंडमलीर पे शिकार खेलेंगे, जो भी मछली लगेगी आपसे शेयर करेंगे। और ये सामने क्वेटा वाला रोड है, मैंने सोचा एक दफ़ा सारी डिटेल आपसे दोबारा शेयर करता हूँ। और तारीख वारीख, तारीख वैसे मुझे याद नहीं, आज क्या तारीख है? तारीख 19 है, 19 नहीं, कहाँ से 19, 21 तारीख है, 21 दिसंबर, 21 तारीख है दोस्तों 2023, 21 तारीख जुमरात का आज दिन है, ठीक है। तो अब ये वीडियो मैं बंद करता हूँ, इंशाल्लाह जो मछली लगेगी फिर आपसे वो सारी शेयर होगी। चलो खाना शुरू करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखें अंगोल नदी से हम गुजर रहे हैं, तो अंगोल नदी आपको दिखाते हैं। इस तरफ भी अंगोल नदी है, ये समंदर से पानी आ रहा है अंगोल नदी का, और इस तरफ भी अंगोल नदी है जो नानी मंदिर जा रही है। तो नानी मंदिर के रास्ते से हम लोग होते हुए आगे जा रहे हैं कुंडमलीर। तो मैंने सोचा आपसे ये अंगोल नदी बिल्कुल शेयर करें। तो कुंडमलीर आ गया दोस्तों, आप जल्दी भाई अपन तेज चलाएं। ये होटल अगर चाय पीना तो पीने का मूड है चाय का, अब यहाँ वहीं पर बनाए सरफराज अली भाई वहीं बनाते हैं। तो बहरहाल दोस्तों कुंडमलीर तकरीबन आ चुका है, और नानी मंदिर अभी भी गुजरा है, और अंगोल नदी भी मैंने आपको दिखाई है। तो अंगोल नदी नानी मंदिर जैसे ही गुजरता है तो उसके बाद जो है ना कुंडमलीर बिल्कुल आ जाता है। तो बस अभी ये चढ़ाई आ रही है, इसके बाद कुंडमलीर ही है। तो वीडियो बन रही है, गाड़ी में हम दोस्त सारे बैठे हुए हैं, और जुमरात की आज जुमरात का दिन है, और इंशाल्लाह शिकार खेलेंगे, जो भी शिकार लगेगा आपसे शेयर करेंगे। बलूचिस्तान के नज़ारे देखें आप, बेहतरीन नज़ारे, बेहतरीन बलूचिस्तान, बेहतरीन पहाड़, ज़बरदस्त माशाल्लाह दोस्तों। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन हो गया दोस्तों। तो हम दोस्त बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह शिकार की तरफ हमारी गाड़ी रवानगी है, रवाना ही हुई पड़ी है, शिकार की तरफ जा रहे हैं, ये गाड़ी शिकार की तरफ जा रही है सरफराज भाई। तो सरफराज भाई काफी तंग हो गए, बोर हो गए बैठ बैठ कर। मैं घर से निकले सुबह 6 बजे खड़ा किया हुआ, गाड़ी चल रही है। तो बहरहाल सरफराज भाई के हाथ बहुत ज्यादा जो है ना जोश में के मैं जल्दी से डोर डालूं, और वो पहाड़ के पर बकरे देखो कैसे बैठे सारे, जबरदस्त यार, जबरदस्त 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 पहाड़ पे बकरे चढ़े हुए सारे। तो दोस्तों नज़ारा देखिए आप कुंडमलीर का, और बेहतरीन रास्ता, बेहतरीन पहाड़, बेहतरीन रास्ता, लेकिन समंदर अभी तक नहीं आया, और नानी मंदिर गुजर चुका है, हंगोल नदी गुजर चुकी है, और बिल्कुल सरफराज भाई भी इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों, हमें भी बड़े बेसब्री से इंतज़ार है कि जल्दी से हम लोग पहुँचे और अपनी डोरें पानी में डालें। बंद करता हूँ, दोबारा और करूँगा जिससे समंदर आएगा, मार फोन नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम,
राजीव भाई थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता जाए ना, और फिर यहाँ से कट पीछे से पूछना है, कट अंदर लेके जाके पार्किंग की जगह पूछनी है। आहिस्ता गाड़ी आराम से कर दे, गाड़ी आराम से कर दे, बस पार्किंग की जगह आपने पूछनी है। थोड़ा थोड़ा आगे जाए, जहाँ पे वो ट्रक खड़ा है वहाँ चले जाएँ, वहाँ से पार्किंग का पूछेंगे। तो दोस्तों कुंड मंदिर आ चुका है और काफ़ी इंतज़ार के बाद तो अभी यहाँ हम इंशाल्लाह जाएंगे, कोई स्टे करेंगे, अच्छी जगह ढूंढेंगे और फिर शिकार खेलेंगे। जो मछली लगेगी इंशाल्लाह आपसे सारी शेयर होगी। तो बहरहाल ये मेन रोड है बलूचिस्तान वाला, काफ़ी टाइम के बाद इंतज़ार के बाद आखिर हम कुंड मंदिर पहुँच गए। फिजान भाई जी, गाड़ी गाड़ी आगे लेके जाओ, आगे लेके जाओ, ये बस आगे जाओ, आगे जाओ। मेन पॉइंट कहलाता है कुंड मंदिर का। हाँ आगे आगे, मेरा ख्याल है आगे जगह आएगी, आगे जाओ। हाँ बेहतरीन, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो दोस्तों बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त किनारा, ज़बरदस्त जगह, अली भी आगे जाएगी, जगह आएगी। दोस्तों जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, आप फाइनली कुंड मंदिर आ चुके हैं, कुछ होटल वगैरह भी बने हुए हैं, मस्जिद वगैरह भी है। और अभी हम गाड़ी आगे ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, हमें पार्किंग ढूंढनी है, पार्किंग पे जाके गाड़ी खड़ी करेंगे। और फिलहाल हम लोग सिलो सिलो नीचे ही जा रहे हैं। तो ये कुंड मंदिर है दोस्तों सारा के सारा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो गाड़ी अभी नीचे ही लेके जा रहे हैं हम रोड पर, मेन रोड पर। बेहतरीन अली भाई, बस अब यहाँ पर, यहाँ रोक के ना किसी से पूछना है आपने। हाँ बिल्कुल, यहाँ आप किसी से पूछना है अली भाई, ये हमने गाड़ियाँ खड़ी है ना इस तरफ करके, किसी से पूछना है बस गाड़ी की पार्किंग की जगह, फिर वहाँ गाड़ी को खड़ा करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की पार्किंग, गाड़ी पार्क कर लें सामान। हाँ हाँ यहीं पर है, पूछेंगे ना पार्किंग इसकी अच्छी कोई जगह तो वहाँ पार्क कर देंगे। बेहतरीन बेहतरीन भाई, अली भाई यही जगह है। अगर आप कुंड मंदिर आए तो आपको गाड़ी का काम करनी है, तो ये तो दोस्तों हम आ चुके हैं कुंड मंदिर और गाड़ी थोड़ा नीचे लेके जा रहे हैं। अब देखते हैं गाड़ी खड़ी करने की जगह, अगर आगे तो सीधी सीधी ले जाते हैं, ले जाए अली भाई ले जाए, आगे जगह होगी, एक दो खड़ी हुई है गाड़ियाँ। तो बेहतरीन हो गया दोस्तों, और बिल्कुल चढ़ाव लगा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता पानी ऊपर आ रहा है, हम बिल्कुल ज़बरदस्त टाइम पर पहुँचे हैं दोस्तों। और चढ़ाव फुल होने में अभी भी तकरीबन दो घंटे डेढ़ घंटा है, तो हमने अभी से ही डोरे डालनी है और शिकार की पूरी कोशिश करनी है। इंशाल्लाह जो शिकार लगेगा फिर आपसे सारा शेयर होगा। ले जाओ गाड़ी थोड़ी सी अली भाई, और आगे। तो ज़बरदस्त दोस्तों, बेहतरीन नज़ारा कुंड मंदिर का। और आज परिंदे बैठे हैं, सी गुल कहते हैं इंग्लिश में इनको दोस्तों, जो ये परिंदे बैठे हैं रॉकेट और सी गुल। तो खैर वो भी मछलियाँ खा रहे हैं, पानी का चढ़ाव लग चुका है, आहिस्ता आहिस्ता पानी ऊपर आ रहा है। अली भाई बंद कर दें बोले टेपरे काट। तो दोस्तों आ गया फाइनली हम लोग कुंड मंदिर आ चुके हैं। तो दिल तो कर रहा है वीडियो बन करके दोबारा आपसे शेयर करूं, लेकिन बहरहाल साथ साथ रास्ते के साथ हमने वीडियो बनाई है, आपसे सारी शेयर की है, मालूमात आपको बताई है। कराची से हम लोग आए हैं कुंड मंदिर, आए कुंड मंदिर वालों की कश्तियां खड़ी हुई हैं और कुंड मंदिर का किनारा है दोस्तों। आज इंशाल्लाह शिकार खेलेंगे, सामने वो पहाड़ी है कुंड मंदिर की जहाँ पर लोग ऊपर चढ़ के शिकार खेलते हैं, नीचे डोर फेंकते हैं। तो हम भी वहाँ जाएँगे, डोर करेंगे, इंशाल्लाह जो शिकार लगेगा आपसे शेयर करेंगे। और ये कुंड मंदिर का लस्सा है दोस्तों, लस्सा यानी कि वो भतराटी है पहाड़ है सामने, और ये लस्सा है। तो यहाँ पे भी लोग शिकार खेलते हैं, वहाँ पे भी लोग शिकार खेलते हैं, दोनों तरफ। तो हम भी शिकार खेलेंगे, जो मछली लगेगी आपसे शेयर होगी इंशाल्लाह। तो शिकार के लिए आएँ, कराची से आएँ, फैज़ान भाई ये रहे, इमाम भाई, अली भाई वो रहे, फैसल भाई वो रहे, मेरे साथ आएँ, आज मेरे दोस्त हैं, पार्टनर हैं सरफराज भाई आएँ, हमारी गाड़ी ये खड़ी है दोस्तों। तो आज खेलेंगे कराची से आए, तकरीबन 250 किलोमीटर का रास्ता हमने तय किया है, चार पाँच घंटे हमें लगे हैं भाई, हम तो 5 घंटे 284 किलोमीटर। आप लोग तो काफ़ी पीछे से ना, आप लोग शाह फैसल से आए हैं, काफ़ी टाइम लगा आप लोगों को। सरफराज भाई हमने ना वो पहाड़ के पास जा रहे हैं नजर आ रहे, तो अब हमने यहाँ ऊपर से रास्ता लेना है, वहाँ हमें जाके ना वहाँ शिकार खेलना है। तो खैर दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, इंशाल्लाह शिकार खेलेंगे, आपसे सारा शेयर करेंगे, आप लोग कुंड मंदिर को एंजॉय करें, काफ़ी सारा रास्ता भी आपसे शेयर किया है, हंगोल नदी दिखाई, नानी मंदिर आपको दिखाया, अब कुंड मंदिर आ चुके हैं फाइनली। तो जो शिकार लगेगा सारा आपसे आज कुंड मंदिर का शेयर होगा। चढ़ाव लग चुका है दोस्तों, चढ़ाव लग चुका है। ये लोगों ने क्या किया? अस्सलाम वालेकुम, ये अलग बात है, इसको नीचे कुछ लगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, खैरियत है, ठीक ठाक हैं? तो दोस्तों ये कुंड मंदिर का सारा शिकार है और तकरीबन 10 किलो से ऊपर इसके अंदर मछली पड़ी हुई है, और अच्छे साइज़ के इसके अंदर कपरदान है, दंदिए हैं, किस्तियाँ हैं, और बेहतरीन मछली लगी हम लोग को, मज़ा आया दोस्तों, और ज़बरदस्त शिकार हुआ। बड़े दाने कुछ नीचे भी पड़े हुए हैं, आइस बॉक्स काफ़ी बड़ा है, तो कुछ बांगड़े वगैरह भी पड़े हुए हैं, बड़ा बड़ा वाला कपरदान किधर गया।
वो भी दिखाना था। चलो खैर नीचे ही पड़े हुए बड़े दाने भी, जो हाथ में खाटा ना घुसे। हाँ नहीं घुसता। तो माशाल्लाह बेहतरीन दाने लगे दोस्तों, अच्छा शिकार लगा। कुन मलीर गए थे, मैंने सोचा सारा शिकार आपसे शेयर करें। तकरीबन 10 किलो से ऊपर मछली लगी है। और बेहरल अभी अलविदा कर रहे हैं फैज़ान भाई को, फैसल भाई मेरे साथ हैं और अली भाई हमारे मेहमान थे। बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया इनके साथ घूमने फिरने का, शिकार का। ख़ास तौर पर सरफराज भाई सीनियर शिकारी, माशाल्लाह बहुत अच्छा शिकार इन्होंने किया कल, बड़ा मज़ा आया इनके साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम भी बनाएंगे और आपके साथ जहाँ पर भी जाएंगे मुकम्मल वीडियो शेयर करेंगे उस हवाले से। ठीक है फैज़ान भाई, बहुत बहुत आप लोग की शुक्रिया, मेहरबानी। आप लोग आए, इन्जॉय किया हम लोगों ने। आप लोग अपना ख्याल रखें।